I'm Dr. Aditi Khandelwal and you're watching my channel Flora Frenzy. So last week, I introduced you to Mr. K.K. Talwar, who owns a garden boutique in Jaipur, in Gopalwadi by the name Talwar's Bagicha. और हमने उनकी पूरी लाइफ स्टोरी जानी. वी गॉट टू नो दैट यू नो ही हेल फ्रॉम पाकिस्तान. जब पूरा एक यू नो इंडिया था उस समय में, हिज फैमिली यूज टू लिव इन पाकिस्तान. आफ्टर पार्टीशन दे शिफ्टेड टू जयपुर एंड ही हैज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वाज दैट ही हैज़ द मोस्ट अमेजिंग कलेक्शन ऑफ सक्यूलेंट्स इन जयपुर एंड रादर नॉर्थ ऑफ इंडिया. सो यस, जब हम लोग यू नो उनसे हमने बहुत सारी बातें करी, तो आप उनकी बेसिक लाइफ तो हम आपको पहले बता चुके हैं, लेकिन एज गार्डन लवर्स, ऑल दोज हु आर वॉचिंग दिस वीडियो, आई एम प्रीटी श्योर कि आपके साथ में पता नहीं क्या क्या तरीके के किस्से कहानियाँ होते ही रहते होंगे. तो हमने जब के तलवार जी से बात करी तो बहुत सारे किस्से और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने हमसे शेयर करी. टुडेज वीडियो इज़ गोइंग टू बी अ वेरी हार्टी चैट अबाउट ऑल दैट हैपन्ड विद हिम, ऑल थ्रू हिज जर्नी ऑफ बींग अ गार्डनर, being a person who has you know who's doing plants for so many years aur jinhone itna travel kara hai all over india just to see the different varieties of plants. mujhe plants ka shauk to bahut late aaya tha, parantu main pehle Allen school mein padhta tha mansuri mein. acha, to mere parents jo hain wo pakistan mein the. बैंक में मेरी जॉब लगी, मैं सेंट्रल बैंक से रिटायर हुआ हूँ. अच्छा. आज मुझे रिटायर हुए भी जो है 22 इयर्स हो गए. मेरे ख्याल से 10-12 घंटे तो मैं अपने गार्डनिंग में देता हूँ. आप ये देखिए कि मेरे पास कई बार महीने दो महीने में कोई हेल्पर नहीं होता. अच्छा. ये सारा काम मैं करता हूँ और हेल्पर होता भी है, परंतु 99% में ये वॉटरिंग का काम ये मैं खुद करता हूँ. क्योंकि मोस्टली अपने को अपन पानी में जो है बड़ा वो दिखाते हैं कि जितना पानी देंगे उतने बढ़ेंगे, परंतु ऐसा नहीं है. बिना पानी के प्लांट कोई नहीं मरेगा. वो मुरझा जाएगा, आपसे पानी मांगेगा वो, परंतु उसको सूखने ही नहीं देंगे और सिर्फ पानी पानी डालते रहेंगे तो वो पौधा डेफिनेटली मरेगा. देखिए, हमने जब ये हॉबी शुरू की थी तो तब मैक्सिमम प्लांट जो था दैट वॉज 1 to 2 rupees मैक्सिमम, मतलब 50 paisa, 1 rupee, 1.5 rupee. And we're talking about around 40 years back. 40 years back, yes. Uh-huh. At that time, in Jaipur, there were only 3 nurseries. Okay. And only 3. That was Pratap Nursery, which is closed. Then Bajrang Nursery. And third was Anand Nursery. Okay. Anand Nursery, he was doing only with roses. That time, Anand नर्सरी वाज फेमस इन इंडिया फॉर रोज़ेस, नॉट नाउ. जबकि रोज़ेस जो होते हैं वो तो ठंडी जगह पे ज्यादा अच्छे होते हैं. तो इनकी मदर जो है मिसेस एरन, वो क्या करती थी रोज़ेस वगैरह का. अच्छा. तो उसका ज्यादा था जी. कोई पौधा शुभ या अशुभ नहीं होता. सो ट्रू. सब शुभ होते हैं. मतलब लोग अब मिलते हैं, कह के नहीं ये पौधा घर पे नहीं रखना चाहिए, ये बाहर लगाना चाहिए या अंदर लगाना चाहिए, वो चीज नहीं होनी चाहिए. ये मेरे ख्याल से ये भी एक वो है कि जितने भी प्लांट लवर्स हैं वो हमेशा इन चीज़ों से बड़े आहत होते हैं कि आज भी पढ़े लिखे लोग भी हमेशा ये कहते हैं बॉन्ज़ाई को अपने घर में नहीं रखना चाहिए. हाँ. उससे अपशगुन होता है, उससे ग्रोथ नहीं होती. बॉन्ज़ाई के लिए कहते हैं, कैक्टस के लिए कहते हैं. हाँ, कैक्टस के लिए भी ऑफ कोर्स सेम. तो मेरी ये फीलिंग है दिस इज ऑल मार्केटिंग. एब्सोल्युटली, मार्केटिंग गिमिक ही है कि ये ऑक्सीजन प्लांट है, ये नहीं है, इसको ये करो. मैं कहता हूँ कि आज मैं आपके इंटरव्यू में अगर ये कह दूं कि ये पर्टिकुलर प्लांट जो है ये घर में रखने से करोना नहीं आएगा, तो लोगों से आप ये देखिए कि इस प्लांट के नर्सरी जितने भी जयपुर में होंगे सारे खत्म हो जाएंगे एक दिन में. बिल्कुल. तो कुछ नहीं, देखे आपकी सोच, आपका जो आप काम करते हैं, आपका सोचना ही जो है ना वो ज्यादा मायने रखता है लाइफ में. मतलब कि आपकी सोच क्या, मतलब आप जो है कहीं जाके पूजा कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं और आपकी सोच कुछ और है तो कोई फायदा नहीं होगा. कोई फायदा नहीं है. और इससे अच्छी पूजा कह लीजिए या अपने आप को हेल्दी रखना, अपने आप को बिजी रखना, अपने आप को शांत रखना, आपको किसी भी
इधर उधर की बेकार की बातों से आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। और आप कितना भी टाइम प्लांट्स के साथ में स्पेंड कर लीजिए, इट्स ऑलवेज लेस लेस। इवन रात को भी सोते हैं तो प्लानिंग होती है दिमाग में कल सुबह क्या करना है। मतलब जी, मतलब 24 आवर्स दिमाग इसी में ही रहता है। तो आपको जो ये फालतू की चीज़ों के उसने मुझे ये कहा, पड़ोस ने ये कहा, आपको कोई मत, आपको समझ में ही नहीं आएगी वो बात कि क्या वो बोलते हैं। हम सुनते ही नहीं हैं हम सुनते नहीं हैं कि क्या बोल रहा है किसी के लिए। जी जी जी। तो आप कभी भी जो है किसी की बुराई नहीं करोगे। सबसे बड़ी इस हॉबी में मैंने ये चीज़ देखी है कि आप किसी की बुराई नहीं करोगे। आज आप किसी के पास भी चले जाइए, आप उसके पास अगर चार प्लांट्स भी हैं और आपके पास 4000 प्लांट्स हैं, परंतु उन आप उनके चार प्लांट भी देखने के लिए जाएंगे तो आपको लगेगा कि यार इसने इस प्लांट को इस तरीके से रखा हुआ है, तो आप उससे कुछ सीख कर ही आएंगे। जी जी जी। आप में ये फीलिंग कभी नहीं आएगी कि अरे इसके पास तो चार है, मेरे पास 4000 है। आप उससे भी सीख, आज भी जो है मुझे कोई कहता नहीं कि यहाँ आता है देखने के लिए तो कि ये प्लांट, एक प्लांट मेरे पास भी ऐसा है, मैं दूसरे दिन उसके घर भागता हूँ। वेस्ट जो जितना भी वेस्ट है, चाहे वो घर का है, चाहे वो सड़क का है, चाहे वो पहाड़ों का है, लैंडस्केपिंग के लिए सबसे अच्छा जो है वो मटेरियल माना जाता है। बड़ा नेचुरल लुक देता है, नेचुरल लुक देता है। आप देखिए टेढ़े मेढ़े पत्थर, मैं तो आज भी कहीं भी जाता हूँ अगर मुझे कोई टेढ़ा मेढ़ा पत्थर सड़क पे साइड पे गिरा हुआ मिलता है, मैं तो गाड़ी रोक के जो है उसको कार में रख लेता हूँ। आई थिंक मेरे ख्याल से ना जितने भी गार्डनिंग एंथुजियास्ट होते हैं ये उनकी एक यूनिक क्वालिटी होती है कि वो सड़क पे चलते चलते सामान जरूर उठाते हैं, कभी पत्थर उठाते इवन में कभी लकड़ी उठा लेते। इवन मैं आपको बताऊँ, मैं जयपुर की बात बताऊँ कि जयपुर जो है बड़ा एक रिलीजियस टाउन है, तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि ज़्यादातर लोग बीच सड़क में एक छोटा सा मटका रखते हैं, उसमें गेहूं के दाने और वो फूल और वो कोई टोटका कहते हैं जिसको, आई डोंट, तो मैं किसी के साथ जा रहा था गाड़ी में, तो मैंने कहा कि यार ये मटका जो है बहुत ही अच्छे डिज़ाइन का बना हुआ है, तो कह कि नहीं नहीं उसके पास मत जाना और ना उसको ठोकर लगनी चाहिए, ये कुछ टोटका किया होता है, आई डोंट नो व्हाट इज टोटका। तो मैंने कहा नहीं, मेरे को तो अच्छा लगा, मैं तो गाड़ी से उतरा, उसका सामान मटके का उल्टा किया और उस मटके को गाड़ी में रख लिया मैंने, तो उसको मतलब क्या होता है कुछ, ये देखिए ये सब मान्यता है, मानो तो है नहीं मानो नहीं तो मानो तो नहीं। अब वो कहते हैं कि लोग उसके दूर से जाते हैं, उसको टच नहीं करना चाहिए, पर मैंने तो वो मटका उठा के और मैंने उसमें प्लांट लगाया उसमें, और इतना अच्छा प्लांट, लोग कहते हैं कहाँ से लाया ये मटका, मैंने कहा मैं वहाँ से लाऊं, आप भी ले आओ जाके, नहीं नहीं हम तो नहीं लाएंगे वहाँ से। गॉड, ओके। अच्छा मैं आपको बताती हूँ सक्यूलेंट्स का, जब भी मैं किसी ना किसी जने से मिलती हूँ तो हम तो हमेशा अभी ये सोचते थे कि सक्यूलेंट्स के लिए जो सबसे प्रॉब्लमेटिक सीजन है राजस्थान में वो है गर्मियों का सीजन। आपने कहा बारिश, तो क्यों आपको ऐसा लगता है कि सक्यूलेंट्स ना हो करके और यू नो गर्मी ना हो करके बारिश का सीजन ज़्यादा एक्चुअली। एक तो सक्यूलेंट्स को नेट बिल्कुल पसंद नहीं है। ओके, ग्रीन नेट जो होती है, ग्रीन नेट जो है उनको कहीं नेचुरल सेमी शेड की जगह हो आप उसको उसमें रखिए आप मतलब। और सकुलेंट्स जो है ये अक्टूबर से लेकर और मार्च तक आप इसको कभी भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, कभी भी इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आफ्टर मार्च अगर आपका सकुलेंट किसी पौधे में से प्लांटर में से निकल भी जाता है तो उसको वैसे ही रहने दीजिए आप। It'll grow back. अगर आपने जो है उसको नहीं अगर आपने उसको निकाल के और वापस ग्रो किया वो नहीं चलेगा नहीं वो बिल्कुल। अच्छा, उसको जो है अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीने जो गिरा रहने दो। अच्छा, ये जितने भी सकुलेंट्स हैं ये मई जून में थोड़े डल हो जाएंगे, कुछ गिर जाएंगे, तो उसके बाद अक्टूबर में फिर वापस ये सब लोग जो है वो फेंक देते हैं उसको। ये जितना भी ये मटेरियल है सब में कोई गिर जाएगा, कोई थोड़ा मुरझा जाएगा या थोड़े पत्ते गिर देगा, तो ये वापस सर्वाइव करते हैं ये अक्टूबर से। अच्छा, ओके। यहाँ के राजस्थान की क्लाइमेट का बता रहा हूँ मतलब। अब जैसे अगर आप नैनीताल या भीमताल या ये उस साइड में अगर आप जाएं तो उन्होंने तो अब ये न्यू सकुलेंट्स तैयार करने शुरू कर दिए मतलब, और वहाँ तो क्लाइमेट कंडीशन इतनी अच्छी है कि वो तो लीफ से जो है
इसको तैयार कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लीप से हो जाता है यहाँ पर भी, लेकिन हाँ अपने पास में टाइम बहुत छोटा होता है जब हम कर सकते हैं। अपने को कम से कम एक लीप में तैयार करने से मेरे ख्याल से कम जो है 2 साल चाहिए। हाँ वहाँ पर बहुत जल्दी होता है। मैंने लीप से भी कुछ किए हुए हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो इस करते रहे तो इस तरीके से मुझे शौक बढ़ता रहा और जहाँ से भी मुझे जो भी सकुलेंट मिलता मैं उसको जो है, और इस सकुलेंट जो है इसमें सर्दियों में तो इसको पानी चाहिए होता है, गर्मियों में इसको कम पानी चाहिए होता है। अच्छा, गर्मियों में कम पानी चाहिए। हाँ। इनके लीफ जो हैं ये फुल ऑफ वाटर हैं जी, तो इनको जो है कम पानी। मिस्टर के तलवार जी से, जो कि जयपुर में उनके पास में सबसे बड़ा सक्यूलेंट कलेक्शन है, एंड उन्होंने 2 फ्लोर पे इतना बड़ा और इतना अलग अलग तरीके के सक्यूलेंट्स उनके पास में हैं। तो उनसे बात करके, उनके सारे किस्से सुन के कि कैसे यू नो किस ज़माने में ही केम फ्रॉम पाकिस्तान से आने के बाद में, एंड एक्चुअली ही इज़ यू नो ही वॉज बॉर्न बिफोर पार्टीशन, तो आज ही 82, बट उनका जो पूरा का पूरा जज्बा है प्लांट्स के लिए वो आज भी उसी सीमा पर है। सो यस, आई विल मीट यू नेक्स्ट वीक, और नेक्स्ट वीक हम उनसे और बहुत कुछ जानेंगे सक्यूलेंट्स केयर के बारे में, सक्यूलेंट्स वैरायटी के बारे में, एंड व्हाट नॉट। एवरीवन, आई अर्ज यू टू प्लीज़ शेयर ऑल योर किस्से कहानियाँ इन द यू नो चैट बॉक्स। आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में जा कर के कि आपके साथ में क्या इस तरीके की कोई चीज़ें हुई हैं। आई एम ऑल्सो अवेलेबल ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल एंड आई एम क्वाइट एक्टिव ओवर देयर, तो आप वहाँ पर भी अपना कोई वीडियो बना करके भी हमें भेज सकते हैं कि आपके साथ में क्या ऐसे कभी कभी कोई इंस्टेंसेस हुए हो जहाँ पर यू एज अ प्लांट लवर डिड समथिंग। सो प्लीज़ कीप सेंडिंग योर स्मॉल वीडियोज़ जहाँ आप हमें ये बताएंगे, एंड विल मेक अ वीडियो आउट ऑफ दैट। सो प्लीज़ डू लाइक, subscribe and share my videos. Your sharing is gonna help me a lot. So please do share my videos on your Facebook and to all your friends on WhatsApp.